आपके पास जब कोई पेशेंट आता है कि मुझे अपना चश्मा हटवाना है, तो उस वक्त किस तरीके के टेस्ट या क्या जांचें की जाती हैं, ये बता सकते हैं आप? तो चश्मा हटाने की जो विधि है वो आंख के शेप को परमानेंटली ऑल्टर करती है। आंख के सबसे आगे आपकी पुतली है, तो जो चीज सबसे आगे है उसको बहुत आसान है ऑल्टर करना विदाउट एंटरिंग द आई। तो बाहरी बाहर से उसका हम शेप बदल सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है कि मुझे चश्मा हटाना है, फर्स्ट स्टेप एज और कंडीशंस हम देखते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में ये प्रोसीजर फिट नहीं है, नंबर स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया पुतली, पुतली पे ज़्यादातर इलाज होता है, तो इस पुतली की नेचुरल हेल्थ को चेक किया जाता है। एक सिंपल टेस्ट होता है, पुतली की फोटो लेते हैं हम, एक कैमरा 360 डिग्री घूमता है दूर से ही, वो पुतली का आकार माप लेता है और उससे हम एक 3D शेप बनाते हैं पुतली का, जिससे पुतली की शेप, थिकनेस और स्ट्रक्चर को हम मैप कर लेते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो हम इस पर लेज़र के ज़रिए इलाज कर सकते हैं। अगर ये कमज़ोर है तो फिर हम दूसरी ऑप्शन ढूंढते हैं जो लेंस बेस्ड होती हैं। पर मुख्य तौर पे आप ये समझिए कि इंसान की एज, इंसान की जो सूटेबिलिटी क्राइटेरिया है, शुड नॉट बी प्रेग्नेंट, शुड नॉट बी लैक्टेटिंग, एंड द पावर ऑफ द स्पेक्टिकल एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द आई, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पुतली का जो आपका हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है मापना। अच्छा, तो ये सारी जब आपने जांच कर ली, फिर आप तय करते हैं कि पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी होगी। Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.